हेलो डियर पेरेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर राहुल चौहान है। मैं मणिपाल हॉस्पिटल में एज ए पीडियाट्रिशियन के तौर पे काम कर रहा हूँ। आज हम कुछ बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के बारे में। ये कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग क्या होती है और इसमें हम बच्चों को कब शुरुआत करते हैं? नॉर्मली ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग होती है, ये बच्चों में 6 महीने की अवस्था के बाद शुरू कराया जाता है। 6 महीने से जो बच्चे 6 महीने से नीचे होते हैं, उन्हें एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग रिकमेंड किया जाता है। पर 6 महीने के बाद बच्चों की ग्रोथ के लिए ब्रेस्ट मिल्क सफिशिएंट नहीं होता, जिसकी वजह से हमें कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुरू करनी पड़ती है। ये कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग क्या होती है? ये बच्चों की ऑप्टिमल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इसमें हम बच्चों को कुछ ऐसे फूड, एक बैलेंस्ड डाइट हम बच्चों को ऑफर कर सकते हैं। बैलेंस डाइट नॉर्मली हमें किसी एक पर्टिकुलर फूड से नहीं मिलता है, ऐसे में हमें थोड़ा सा कॉम्बिनेशन ऑफ फूड की ज़रूरत होती है। अगर मैं इसका एग्जांपल दूँ तो जैसे सीरियल्स हम एक एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं। अगर हम उसमें कुछ पल्सेस, कुछ थोड़े से नट्स और इफ़ वी एडिट सम ऑयल और घी, तो इट गिव्स ए एडिशनल एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज एंड न्यूट्रिटिव वैल्यूज। बच्चों में ये थोड़ा सा 6 महीने की अवस्था में इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि इस अवस्था में बच्चों में हमने नॉर्मली देखा है कि वो थोड़े से उनका डाइजेस्टिव सिस्टम मैच्योर होता है, उनमें बाइटिंग मूवमेंट शुरू हो जाते हैं और उनका थोड़ा सा हैंड टू माउथ कोऑर्डिनेशन भी बेहतर होता है। तो ऐसे में हम इन चीज़ों को शुरू कर सकते हैं। हम जब भी बच्चों को कोई ऐसी चीज़ ऑफ़र करते हैं तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि उसकी फॉर्म जो होती है वो बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए। इट शुड बी लाइक मैश्ड फूड होना चाहिए, प्यूरिट फॉर्म में होना चाहिए, जिससे कि बच्चे उसको अच्छे से ले सकें। अब हम कितनी क्वांटिटी में, हाउ फ्रिक्वेंटली वी कैन गिव दिस टू अवर चिल्ड्रन और कितनी क्वांटिटी उसकी होनी चाहिए, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारा बच्चा 6 से 8 महीने की अवस्था का है तो हम उसको लगभग अप्रॉक्सीमेटली जो क्वांटिटी है वो लगभग 2 मील्स इन अ डे हम ऑफ़र कर सकते हैं। एंड जो उसकी क्वांटिटी होनी चाहिए, दैट वुड बी समवेयर अराउंड 2 to 3 टेबल स्पून फुल, वो हम बच्चों को दे सकते हैं। 8 महीने की अवस्था के बाद, लेट से 9 से 11 महीने की अवस्था के जब बच्चे हो जाते हैं, तो इसकी ग्रेजुअली हम थोड़ी सी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ा सकते हैं एंड क्वांटिटी भी हम उसको बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लगभग 3 मील्स इन अ डे बच्चों को ऑफ़र कर सकते हैं। उसके साथ ही जो उसकी क्वांटिटी है वो लगभग 3 टेबल स्पून फुल हम बच्चों को दे सकते हैं, या ये कहिए कि थोड़ा सा हाफ कप और बोल हम बच्चों को ऑफ़र कर सकते हैं। जब ये बच्चे 1 साल की अवस्था को क्रॉस कर लेते हैं, 2 साल की अवस्था तक पहुंचते हैं, तो इनकी क्वांटिटी और बढ़ाई जा सकती है। साथ में एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहता हूँ, ड्यूरिंग इस प्रोसेस में हमें ब्रेस्ट फीडिंग बंद नहीं करनी है। वी शुड कंटिन्यू विद द ब्रेस्ट फीडिंग फॉर टिल 2 ईयर्स। जब बच्चा 2 साल की अवस्था तक पहुँचता है, इसकी मात्रा हम और बढ़ा सकते हैं अपने बच्चों के लिए, और साथ में थोड़े से हल्के स्नैक्स भी हम ऐड कर सकते हैं। तो ये हमें बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है, एक बच्चे की ऑप्टिमल ग्रोथ के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग क्यों ज़रूरी है। एक चीज़ और मैं एम्फोसाइज करना चाहूँगा कि आजकल आपने देखा है मार्केट में बहुत ही कमर्शियली अवेलेबल जो पैक्ड फूड होते हैं, प्लीज़ इग्नोर देम टिल द एज ऑफ 2 ईयर्स। बच्चों को होममेड फूड दें ज़्यादा, जो बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।